राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2020 पे आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। राजस्थान की सरकार माननीय मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं वो 2009 के राजस्थान अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन लेकर आए हैं। पांचवा बिंदु अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 159 राजस्थान एक्ट नंबर 18 ऑफ 2009। मैं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूँगा, क्या जोनल डेवलपमेंट प्लान में वर्तमान में प्रचलित मास्टर प्लान के विपरीत भूपयोग निर्धारित किया जा सकता है? यदि नहीं तो इस क्लोज की कोई मतलब नहीं रहता, अतः इसमें ये प्रावधान जोड़ा जाए कि मास्टर प्लान में कोई प्रावधान होने के बावजूद भी स्थानीय निकाय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जोनल डेवलपमेंट प्लान में भू उपयोग निर्धारित कर सकते हैं। छठा बिंदु जिसमें 194(1) नाम से इंसर्ट की गई है, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द प्रोहिबिट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन सर्टेन एरिया विदाउट परमिशन। इस धारा पे, इस अमेंडमेंट पे जो माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, इस धारा को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? निश्चित तौर पर सरकार की मंशा इसमें कहीं राजनीतिक दुरुपयोग की रही है। यदि कोई क्षेत्र प्रतिबंधित करना है तो उसका उल्लेख किसी संशोधन में किया जा सकता है, लाया जा सकता है। माननीय सभापति जी आपके माध्यम से मैं इसमें छोटे छोटे तीन नंबर पेज नंबर 2 के 3 के कॉलम 2 ₹10,000 तक जुर्माना इसमें जोड़ा जा सकता है, और पेज नंबर 4 194 के की लास्ट लाइन जिसमें स्वयं निर्माण इन्वर्टर भवन विनिमय 2017 ये सब जोड़ा जा सकता है, और 194 का पॉइंट 3 का लास्ट लाइन जो ₹20,000 तक हो सकेगा और दंडित इनके बीच में ये बात जोड़ी जा सकती है, और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार उपलिख नगर पालिका नगर परिषद निगम का होने वाला हर्जा खर्चा को वहन करना होगा। माननीय सभापति जी दो और महत्वपूर्ण बातों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक सेवा का प्रावधान है जिसमें कर निर्धारक राजस्व अधिकारी अधिशासी अधिकारी आयुक्त शामिल हैं। ये अधिकारी स्थानीय निकायों के अधीन हैं या राज्य सरकार के अधिकारी हैं? यदि ये राज्य सरकार के नियुक्ता हैं एवं राज्य सरकार इनकी नियुक्त है तो ये राज्य सरकार की सेवाओं की सूची में क्यों नहीं शामिल है? इन अधिकारियों का राज्य सरकार की सेवाओं की सूची में शामिल करते हुए इनकी भर्ती भी चयन आयोग से न कराकर आरपीएससी के माध्यम से की जानी चाहिए, इससे अधिक योग्य अधिकारियों की भर्ती की जा सकेगी। 2008 में तत्कालीन भाजपा सरकार के समय इन अधिकारियों की भर्ती आरपीएससी से की गई थी, लेकिन सरकार बदलते 13 में इन अधिकारियों की भर्ती डीएलबी स्तर पर की जाने जो एक गलत परंपरा है। माननीय सभापति जी राज्य सरकार के अधिशासी अधिकारी ईओ और आयुक्त के पदों पर पूरे प्रदेश की स्थिति है कि आरआई अकाउंटेंट ओए सब सैनिटरी इंस्पेक्टर जैसे अधीनस्थ कर्मचारियों की पदस्थापित किया जा रहा है जिससे स्थानीय प्रशासन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसकी तुरंत बंद किया जाना चाहिए, और जोनल डेवलपमेंट प्लान निर्माण हेतु जिन 6 नगर पालिकाओं में करोड़ों के भ्रष्टाचार का पूरा एक परिदृश्य पूरी एक चर्चा राजस्थान में बड़े व्यापक स्तर पर हुई और उसमें सरकार की किरकिरी हुई, उसका कारण भी यही था कि ईओ और कमिश्नर के स्तर के रैंक के अधिकारियों पर इन अधीनस्थ कर्मचारियों को लगाया गया था। इसलिए इस एक्ट में यह भी संशोधन लाया जा सकता था कि अधिशासी अधिकारी और कमिश्नर के पद पर ऐसे ही अधिकारियों को लगाया जाएगा जिससे ट्रांसफर पोस्टिंग और इस तरह के निकायों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिल सके। माननीय सभापति जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से छोटे छोटे दो आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी नोखा नगरपालिका उन 7 नगरपालिकाओं में शामिल है जिनके पेयजल विभाग को नगरपालिका का अधीन दे दिया गया था। ये हमने कल पेयजल पे बात भी की और माननीय आसन पर अध्यक्ष जी विराजे थे, वो भी इसी समस्या से पीड़ित है, और हमारी नगरपालिका व्यर्थ के कामों में करोड़ों रुपये खर्च करिए जो उनका क्षेत्र नहीं है। अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खोलेंगे जो सरकार आपकी खोल ही रही है, 3 करोड़ उस पर लगाएंगे। स्टेडियम पे खेल मंत्री ने कल मदद कर ही रहे हैं उस पर 3 करोड़ लगाएंगे, लेकिन पेयजल के लिए बिजली विभाग का 9 करोड़ रुपये बकाया है वो नहीं भरेंगे, और कभी भी बिजली महकमा कनेक्शन काट सकता है, शहर में जल के लिए किल्लत हो सकती है। इसलिए इस प्रावधान जो पूरी तरह फेल हुआ है, जलदाय विभाग को नगर पालिका से निकाल के
पुनः जल विभाग को देने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी विराजे हैं, पिछले बजट सत्र में भी मैंने नौखा की 3 STP बनाने की, जो एक DPR बनी हुई है उस बारे में आपसे चर्चा की थी, आपने उसके लिए निर्देशित भी किया, लेकिन नगर पालिका ने अभी तक भी आपको 3 STP के लिए जगह निर्धारित करके नहीं भेजी है। समाप्त करें। मैं 1-2 मिनट में पूरी कर दूंगा मान जी। तो पूरा शहर, चाहे कानपुरा के 4 वार्ड हो, चाहे जोरहरपुरा के 4 वार्ड हो, पूरा शहर इस समस्या से पीड़ित है। सीवरेज का पानी घरों में घुस जाता है, हजारों परिवार इससे परेशान रहते हैं। इस बात को भी आप गंभीरता से लें, और सुप्रीम हाईकोर्ट का निर्देश है कि खदानों में पानी नहीं डाला जाए, लेकिन कोई सिस्टम STP का नहीं होने से ऐसा बदस्तूर किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और बरसात के दिनों में हमेशा कम से कम 3 लोगों की बलि चढ़ती है, 3-4 घर नेस्तनाबूद हो जाते हैं। नौका की ये स्थिति है माननीय मंत्री महोदय, और भ्रष्टाचार की आलम ये कि हमारे वहाँ के EO को भ्रष्टाचार के आरोपों में साबित हो, जो अपनी पोस्टिंग से पहले ही पीछे के नक्शों पर पोस्टिंग हुई, उससे 3-4 महीने पहले पीछे के नक्शों पर साइन कर रहे हैं, उनको हटाया, हटा के जालौर भेजा, तो जालौर में पूरे सरकार की नाक कटाई भ्रष्टाचार के मामले में, और जो दोषी थे उन पे तो कार्रवाई हो, लेकिन जो निर्दोष EO वर्तमान में जिसने इसका भंडाफोड़ किया, मुकदमा दर्ज कराया, उसको भी इसमें मुलजिम बना के गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मोड के साथ गुण भी पीछे जा रहे हैं, इसकी भी SOG से जांच की जाए और इस बात का निर्दोष को बचाया जाए, मैं आपके आग्रह करना चाहता हूं। एक निवेदन माननीय सभापति महोदय, हमारे शहर के नहीं हो सकता है, एक सेकंड का आपका अंकित नहीं होगा, एक सेकंड हमारा किरण महेश्वरी अंकित नहीं होगा। धन्यवाद सभापति, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी।